बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की टेस्टी चटपटी रेसिपी है चना दाल फ्रूट चाट। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्द आसानी से तैयार हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बघार लगाएं, तड़का लगाएं, बस आपके पास जो कुछ भी फ्रूट्स हों वो ले लें और चना दाल लें। चना दाल को 2 घंटा पहले भिगो कर रखें। भिगो कर रखने से ये इस तरह फूल जाती है। इसके बाद हम इसको बॉईल कर लेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में लें तो बस एक विजल आने तक बॉईल करें। इसका दाना बरकरार रहना चाहिए, दाल ज़्यादा गलना नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने फ्रूट्स के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। 2 बनानास लिए हैं, 1/2 कप ग्रेप्स लिए हैं, 1 कप पोमोग्रेनेट अनारदाना लिया है, 1/2 टीस्पून से कम सॉल्ट लिया है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर लिया है और 1/2 कप धनिया पत्ता लिया है, 1/2 लेमन लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। देखिए चना दाल अच्छे से गल चुकी है, बहुत ज़्यादा भी ना गलाएं, इसी तरह दाना होना चाहिए। अभी इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चाट मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। धनिया पत्ता और लेमन जूस ऐड करेंगे। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी ये बहुत अच्छी मज़ेदार चाट होगी। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, फ्रूट्स के और दाल के प्रोटीन्स होंगे। जिस तरह के प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्रेविंग होती है चटपटा खाने की, तो ये चाट बहुत ही चटपटी और मज़ेदार है और ये वेट लॉस के लिए भी अच्छी है। इसको खाने के बाद आपका स्टमक फुल फील करेगा, कुछ और खाने की क्रेविंग नहीं होगी, जिससे वेट लॉस भी होगा, हेल्दी और टेस्टी। अभी सारे फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं माशाल्लाह से। अभी हमारी मज़ेदार चटपटी चना दाल फ्रूट चाट बनकर रेडी है। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाहु खैर।